आई एम प्रियंका, वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। तो आज के क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन 5 में है, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 3x² - 4y² + 5xy + 20 टू ऑब्टेन -x² - y² - 6xy + 20। यानी कि यहाँ पे 3x² - 4y² + 5xy + 20 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -x² - y² + 6xy + 20 को। तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम एक्स टू बी ऑब्टेन वाई। यानी कि इसको एक्स मान लिए और सेकेंड एक्सप्रेशन को वाई मान लिए, तो ऑलवेज फ्रॉम एक्स टू ऑब्टेन फ्रॉम y, x में से y को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x² - 4y² + 5xy + 20। और सेकेंड क्या है, -x² तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस रहेगा, -x² - y² + 6xy + 20। अब ये हो जाएगा 3x² - 4y² + 5xy + 20। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाने के लिए माइनस से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा +x² माइनस और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा +y² माइनस और +6x हो जाएगा -6xy माइनस और +20 हो जाएगा -20। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को देखते हुए एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो 3x² + x² यानी कि 4x² और सेकेंड क्या है, -4y² + y² यानी कि -3y². नेक्स्ट क्या बचा है, +5xy और -6xy, तो यानी 6 - 6xy में से 5xy सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -xy। नेक्स्ट क्या बचा है, +20 - 20 यानी कि +20 और -20 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन आ गया फाइनली रूप से वो क्या है, 3y² - xy। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना होता है कि मुझे लैंग्वेज को सही से पढ़ना होता है, समझना होता है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी समस्या ना हो। तो इस सबको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं NCERT के बुक से ले रही हूँ, तो क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो इस तरह से अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल द ब्यूटीफुल माइंड को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ। ओके, बाय।